बिल्कुल स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज आपका रिज़ल्ट आ रहा है। उम्मीद है अल्लाह तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पास करें, कामयाब करें, ठीक है। और बेटा अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें उसको पेपर्स को इम्प्रूव कर लें, और उम्मीद है कि जो आपने सोचा होगा वो आपके मुताबिक ही रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इसमें देखें एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपके पास आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर दें और उसमें पूरे का पूरा पेपर भर के आना, क्या करना है वो सारा, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह 10:30 पे आ रहा है रिज़ल्ट, तो उसमें जो बच्चे टॉप करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा किन किन बच्चों ने टॉप किया, क्या चीज़ की, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो आपने सोचा है ना उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट आए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब के सब बच्चे पास होंगे और सब बोले आमीन। और बड़ी उम्मीद है कि जिन जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो आज उनका ज़ाहरी बात है उनका एक नतीजा जो निकलेगा तो उससे ज़ाहरी बात है एक खुशी जो होती है ना वो एक अलग ही होती है, ठीक है। टीचर्स को अलग होती है क्योंकि टीचर सारा साल पढ़ा रहा होता है तो उसका एक अपना वो होता है। तो ये सारी स्टोरी है और मुझे उम्मीद है, अगेन कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो है पास होंगे, और आमीन। थैंक यू वेरी मच।